देखिए क्विक अपडेट है भाई, जो लोग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी राउंड टू के लिए वेट कर रहे हैं फॉर दी एमबीबीएस, और हमेशा से जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की आदत रही है कि वो डिले करते हैं और टाइम बहुत कम देते हैं, मैं आपको बता दूं टाइम बहुत कम देंगे। सो आप लोग देखते रहिए, जो मेरे पास खबर आ रही है वो आज भी नहीं लॉन्च करेंगे ये, और हो सकता है कि ये लोग कल या टाल दें एक्चुअली मंडे तक अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए या चॉइस फिलिंग के लिए, पर ये समय बहुत कम देंगे, एक एक डेढ़ दिन का समय देंगे, दो दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे, दो राउंड वन में जाते हैं, टोटल दो दिन देते रिपोर्टिंग करने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं, जैसे वो लाइव होगा मैं तुरंत आपको एक शॉर्ट अपडेट दे दूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एज वी स्पीक राइट नाउ अभी लाइव नहीं आया, और आज के कैलेंडर डेट पे जो मेरे पास आईपी के अंदर से खबर आ रही है नहीं आने की उम्मीद है। देखिए सच्चाई यही है कि आईपी चलती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह। लोग मुझसे पूछते हैं सर आईपी हमेशा तक डिले क्यों करता है, क्योंकि आईपी चाहती है कि जिसको भी एडमिशन लेना है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव स्टेट, वो बाहर चले जाए, और जिनके नंबर थोड़े से कम है उनको दिल्ली में सीट मिलने की गुंजाइश हो जाए। और वो गुंजाइश उन्हें क्यों वो प्रपोज करते हैं उसके पीछे अपनी एक कहानी है, जो शायद वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपको यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा वो वहां पर चल जाता है और उसी वजह से वो ये डिले करते हैं, ताकि दिल्ली के जो रियल टॉपर है वो बाहर चले जाएं, और जो दो चार पांच नंबर भी नीचे हैं उनको सीट मिलने का चांस हो जाए मॉपअप राउंड में, क्योंकि मॉपअप राउंड में तभी आईपी में सीट खाली रहती है, क्योंकि राउंड टू में जो दिल्ली कोटा है और मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी बाहर एडमिशन ले चुके होते हैं, तो यही कारण है कि वो डिले चलता है। ठीक है, सो बेस्ट विशेस, कीप वेटिंग, धन्यवाद।